कानपुर जनपद पर हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को काफी गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक दक्षिण महोदय एवं क्षेत्राधिकारी गोविंद नगर के निर्देशन में चोरी की घटनाओं को अनावरण हेतु दिए गए निर्देशों के अनुरूप थाना नौबस्ता की टीम ने बम्बाकट के पास निकट उस्मानपुर चौकी के पास दो अभियुक्त आदिल अहमद व शमशाद मंसूरी को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिल व देसी तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस बरामद किया। कानपुर के विभिन्न स्थानों में चोरी की गई अभियुक्त ठोकिया और सोनू निवासी घाटमपुर कानपुर नगर मौके से अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। इसकी गिरफ्तारी हेतु सर्व संबंधित सूचित करके गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। थाना नौबस्ता में पंजीकृत 933/18 धारा 3/35 धारा आर्म्स एक्ट 4/11/4134 बाद भी पंजीकृत किए गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। इन अभियुक्त गण द्वारा कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर चुपके से मौका पाकर मोटरसाइकिल चुराते हैं तथा आवास विकास में बंद पड़े क्वार्टरों में छुपा कर रखते हैं। मौका मिलने पर ग्राहकों को कम दामों में दे देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त आदिल अहमदपुर इसराइल निवासी भरदास थाना घाटमपुर, शमशाद मंसूरी पुत्र इसराइल निवासी भरदास थाना घाटमपुर फरार हो गए। अभियुक्त का नाम ठोकिया उर्फ सोनू निवासी घाटमपुर है। आदि को पकड़ा गया था अंधे के आधार पर, उनसे पूछताछ से 8 मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद। गैंग का जो सदस्य ठोकी है वो नहीं मिल पाया है और ये गाड़ी चुराते थे और इनके सहयोग से उसको लोगों को देखा कोई आपराधिक अभी तक हम लोग इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पूछताछ के दौरान और थानों से नंबर दर्ज कराए जाएंगे ब्यूरो रिपोर्ट समाचार इंडिया।